2022 के लिए कसी कमर। बरछावा राय बरेली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता घर घर पार्टी के उपलब्धियों यों किए गए विकास कार्य का आह्वान पत्र के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रही है। इस कली में गिरिराज शंकर उर्फ बबलू लोधी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राय बरेली ने अपनी पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बीते 28 जून से अनवरत साइकिल रैली के माध्यम से पूरे जनपद में घूम घूम कर पार्टी के उपलब्धियों को बताते हुए जन जन तक आह्वान पत्र का पहुंचाकर अपने पार्टी मजबूत करते हुए उनके करवा दिन दिन वे दिन आगे और बढ़ रहे हैं। विगत 10 दिन से चलते हुए साइकिल रैली की करवा आज सब कस्बे में मुख्य चौराहे पर पहुंचे, जहां पर उनका भाई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूं अधिवक्ता प्रमोद चौधरी, निर्मल मन जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह, युद्ध ब्रिगेडियर हेमंत कुशवाहा ने फूल मालाओं पहनाकर मिष्ठान खिलाकर किया गया। मीडिया से मुताबिक होने से श्री लोधी ने कहा कि हमारे साइकिल यात्रा अनुरोध चलते रहेगी और हम सभी अपने पार्टी के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। इस अवसर पर सीताराम लोधी, सत्यम कुशवाहा, दिलीप यादव खेरी, संदीप यादव निवर्तन विधानसभा उपाध्यक्ष, युनाज सभा श्रेणी छोटू लाल यादव, राजेश पूर्व प्रधान ताला राकेश काटरी कोटेदार सहित भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायबरेली से आशीष शुक्ला के साथ मोनू सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। आप अपना पूरे परिचय बताएं। मेरा परिचय है गिरिया शंकर लोधी लिखता हूँ। समाजवादी पिछड़ा और रायबरेली जनपद का जिला अध्यक्ष बनाया है। ये बताएं, ये जो साइकिल यात्रा है कहाँ से आप कहाँ तक जाने के लिए हैं? हम 28 तारीख को जनपद रायबरेली मुख्यालय से निकले थे जी। जिले के जिलाध्यक्ष माननीय जो वीरेंद्र यादव जी हैं जी, उन्होंने हमको हरी झंडी दिखाई थी। इस उद्देश्य से दिखाई थी कि जो आह्वान पत्र समाजवादी पार्टी का आया है उसको गांव गली मोहल्ले तक जनपद में साइकिल चला करके टोली बना करके लोगों को समाजवादी पार्टी की जो नीति रीति है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, आह्वान पत्र वितरित करेंगे। इस उद्देश्य से हम पूरे जनपद में आज हमारा यात्रा का 10वां दिन है। ये समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का क्या कार्य कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी जी, जैसे 108 एम्बुलेंस हो गई या अन्य किसान संबंधित योजनाएं हो गई, 100 नंबर योजना होगी जिसको 112 नंबर कर दिया गया, सबको बता रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश की गवर्नमेंट भाजपा की सरकार ने जो आम आदमी के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, उसको हम लोगों को उजागर करके बता रहे हैं।